नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत ही सहायक होने वाला है। आप इस वीडियो को ध्यान से सुने। और वीडियो में जो मैंने टॉपिक लिया है वो है आई एम द एग्जिस्टेंस, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही ब्राह्मण हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। जा गुरु ग्रंथ साहिब जी में लिखा है, जो ब्रह्मंडे वो ही पिंडे। इसका मीनिंग है कि जो सारी एग्जिस्टेंस में है, जो ब्रह्मांड में है, जिस एनर्जी से या जिस वाइब्रेशन से सारा ब्रह्मांड चल रहा है, हमारे प्लैनेट्स, हमारी गैलेक्सीज, हमारे स्टार्स, हमारा सन मून, छह अर्थ या बहुत सारी और धरती जिनका हमें अभी पता नहीं है, बहुत सारे और प्लैनेट्स जिनका हमें नहीं पता, जहाँ ऐसा कि कह लीजिए कि सारा ब्रह्मांड जिस ऊर्जा से, जिस शक्ति से चल रहा है, जो बाहर है वो ही हमारे अंदर है। जैसा पैटर्न, एक वर्ड इसको कैच कीजिए, पैटर्न, जैसा पैटर्न या जो पैटर्न बाहर ब्रह्मांड में है, जिससे जिस सारी चीज़ें चल रही है, सारी सृष्टि चल रही है, वही पैटर्न हमारे अंदर है। हमारे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये चीज़ें हमारे ब्रह्मांड को बनाती है। जो चीज़ें हमारे ब्रह्मांड को बनाती है वही चीज़ें हमारे बॉडी के अंदर है। और उसी, जैसे मैंने अभी वर्ड चूज़ किया, पैटर्न से, उसी गति से वो हमारे अंदर चल रही है। तो क्यों हम लोग उसको जो है यूनिवर्स से टूटे हुए हैं, क्यों? अगर जो बाहर है वो ही अंदर है, जो ब्रह्मंडे है वो ही पिंडे हैं, जहाँ अहम ब्रह्मा सभी हमारे ऋषि मुनि गुरु कह गए हैं, तो क्यों हमारी लाइफ में क्यों नहीं इम्प्लीमेंट होता? तो उसका एक ही रीज़न दोस्तों, मुझे लगता है जो गलती हम सब करते हैं, कि हम सोचते हैं कि हम सेपरेट हैं, और ये सेपरेशन हमने खुद क्रिएट की है। जैसे जैसे एक बच्चा जो न्यू बॉर्न बेबी है, जब वो दुनिया में आता है तो वो कनेक्ट ही होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, जैसे जैसे उसकी कंडीशनिंग होती है, तो उसको बताया जाता है थॉट्स में रहना। तो हम सोचते हैं कि हम अपना ब्रेन है, माइंड है, थॉट्स हैं, कहीं भी सारी गलती है। लेकिन जिस दिन हम सोच लेंगे कि आई एम नॉट माई बॉडी, आई एम नॉट माई माइंड, आई एम नॉट माई थॉट्स, ना मैं इस, ये जो बॉडी दिखाई दे रही है इस जन्म में, जो बॉडी मुझे मिली है, ना तो मैं वो हूँ, ना ही जो मेरा, जो मेरी विचार है वो है, मैं उससे ज़्यादा हूँ, तो एक डिसकनेक्शन हो जाएगा इस बॉडी की अटैचमेंट से, और इस थॉट से, इस माइंड से। और जब जहाँ से डिसकनेक्ट होंगे, तो फिर हम हार्मोनी क्रिएट करेंगे उस यूनिवर्स से, उस एग्जिस्टेंस के साथ, और फिर हमें लगेगा कि हाँ, वही फोर्स बाहर है और वही फोर्स मेरे अंदर है। स्पिरिचुअलिज्म की दुनिया में एक वर्ड यूज़ किया जाता है, वाइब्रेशन। वी आर वाइब्रेट बीइंग। जब हम इस बॉडी में नहीं थे तो भी एनर्जी के रूप में हम वाइब्रेट कर रहे थे इस बॉडी के बाहर। जब हम इस बॉडी में हैं तो भी अंदर हम, हमारे में वो एनर्जी वाइब्रेट हो रही है जो पहले वाइब्रेट होती थी जब हम इस बॉडी में नहीं हैं। और जब हम मीन्स हमारी सोल इस बॉडी में नहीं रहेगी, वो तब भी वाइब्रेट होगी। सो इसका मीनिंग है कि 24 आवर्स कोई चीज़ है जो उसी तरीके से वाइब्रेट हो रही है जिस तरीके से यूनिवर्स में वाइब्रेशन हो रही है, जो वाइब्रेशन यूनिवर्स के प्लैनेट्स में, स्टार्स में, गैलेक्सी में हो रही है, इलेक्ट्रो, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स जैसे वो वाइब्रेट कर रहे हैं, वैसी ही वाइब्रेशन हमारे अंदर हो रही है। जिस दिन दोस्तों हम इस चीज़ को रियलाइज़ कर लेंगे, उसी दिन हमारा सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा। जो बहुत बहुत संत महात्मा, जहाँ कुछ साइंटिस्ट है, जो और भी कुछ फिलोसफर्स है, जिन लोगों ने इस बात को समझ लिया दोस्तों, वो महान हो गए। उन नेचर ने उनसे बहुत महान महान काम करवा लिए ह्यूमैनिटी की भलाई के लिए, और वो अमर हो गए। कितने लोगों के हम नाम बता सकते हैं,
फॉर एग्जाम्पल अगर आप हम संत महात्माओं के नाम ना भी लें, क्योंकि वो तो है ही है, क्योंकि कहा जाता है कि संत महात्मा को तो पता ही है, लेकिन बहुत सारे जो साइंटिस्ट हुए हैं, जब डिस्कवरी जिन्होंने की, कोलंबस है और कितने लोग हैं जिन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए कुछ इन्वेंशंस दी, उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया, इस चीज़ को फील किया और कनेक्ट उन्होंने अपने आप को किया उस फोर्स से, और उनसे नेचर ने बड़े बड़े काम करवा लिए। तो अगर नेचर उनसे बड़े बड़े काम करवा सकती है तो क्या हमसे नहीं करवा सकती? सिर्फ अपने आप को इस अटैचमेंट से डिसकनेक्ट करके दूसरी चीज़ से कनेक्ट होना है, जो एक जर्नी है, और जर्नी में कभी कभी कम और ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन ये जर्नी हमें स्टार्ट करनी पड़ेगी। और लेट्स स्टार्ट विद दिस नोट कि मैं ही एग्जिस्टेंस हूँ, मैं ही ब्रह्मांड हूँ, और सारा ब्रह्मांड मुझ में है। दोस्तों थैंक यू सो मच।